एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सबके लिए लेकर आती रहती हूँ हेल्दी हेल्दी सी बहुत सारी रेसिपीज। तो फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं भटूरे वाले छोले घर पर। इन्हें हम बनाएंगे कुकर में ईजी से ईजी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ भटूरे के साथ खाए जाने वाले छोले की रेसिपी, और इसे मैं बनाऊंगी कुकर में डायरेक्ट। तो फ्रेंड्स, ये हैं छोले 1 से 1.5 कप। इन्हें मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो दिया था। अब मैं इन्हें मॉर्निंग में बना रही हूँ। इनको भिगोते वक्त मैंने 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा डाला था। आपके पास यदि यह नहीं है तो आप इसकी जगह नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं भटूरे वाले छोले। इन्हें आप भटूरे के साथ खाएं, या पूरी के साथ खाएं, या चावल के साथ खाएं, ये जिस भी चीज़ के साथ खाएंगे उसी के साथ ये अच्छे लगेंगे। तो ये मेरे तैयार हो चुके हैं, इन्हें मैं साइड में रख देती हूँ। अब ये वो मसाला जिससे कि हम इन छोले को बनाकर तैयार करेंगे। ये प्याज है, 2 प्याज, 1 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और लहसुन, इससे मैंने इस पेस्ट को तैयार किया है। इस पेस्ट को तैयार करने में भी सब्जी का इस्तेमाल किया है। आपको यदि कोई भी पसंद नहीं हो तो आप इसे इजीली स्किप कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे टमाटर की प्यूरी। इसके लिए लिए मैंने 3 टमाटर, आप नीड के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब उसी सेम जार में प्याज को ग्राइंड किया था, उसी में मैं इसे भी ग्राइंड कर लूँगी। इस तरह से डाल लीजिए। इसमें मैंने अदरक का 1 इंच का टुकड़ा भी डाला। इसके अंदर आप डालकर इसका मैं पेस्ट तैयार कर लूँगी इस तरह। टमाटर की प्यूरी भी हमारी तैयार हो गई है। अब हम तैयार करेंगे एक मसाला जिससे कि हमारे जो छोले हैं वो भटूरे वाले छोले ही बनकर तैयार होंगे, जैसे कि आप मार्केट में खाते हैं। सबसे पहले इस मसाले को तैयार करने के लिए मैं लूँगी छोले मसाला। 1 चम्मच छोले मसाला डालें, और मसाला छोले का वो लें जिसमें कि अनारदाना भी मिक्स हो। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, 1 पिंच तीखी लाल मिर्च, 1 पिंच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर डालना जरूरी है, यदि नहीं है तो आप हल्का सा नींबू भी डाल सकते हैं। इसके अंदर डालूंगी 2 चम्मच के आसपास पानी। अब मैं इसे मिक्स कर लूंगी। अब हमारा ये छोले का मसाला बनकर तैयार हो गया है। कुकर हमारा गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल डाल दीजिए। अब मैं डालूंगी जीरा। जैसे ही जीरा तड़कने लग जाए मैं इसके अंदर डाल दूंगी ग्राइंड किया हुआ प्याज। आप इसकी जगह कटा हुआ प्याज भी डाल सकते हैं। भटूरे वाले छोले एकदम टेस्टी बनकर तैयार होंगे। लो फ्लेम पर कम से कम 2 से 3 मिनट में इसे भूनूंगी। अब प्याज हमारे भून गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्याज का जो कलर है वो अब चेंज हो गया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी टमाटर की प्यूरी, जिसको कि हमने जार में ग्राइंड कर लिया है। डाल दीजिए, अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जैसे ही हम टमाटर की प्यूरी डालते हैं तो तुरंत हम इसके अंदर नमक डाल देंगे। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर नमक डाला है। नमक डालने से जो प्याज टमाटर अच्छी तरह से जल्दी पक जाते हैं। अब मैं इसके अंदर डालूंगी जो हमने छोले का
पेस्ट बना कर रखा है, इसे मैं इसके अंदर अब डाल दूँ। ऐसे ही हमारा मसाला पक जाता है, मैं इसके अंदर डालूँगी एक मोटी वाली इलायची और एक तेज पत्ता, इसे डाल दीजिए। अब मैं इसके अंदर डालूँगी भीगे हुए छोले, इसके अंदर डाल दूँगी। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, हम ये भटूरे वाले छोले की कुकर में बना रहे हैं, आप चाहें तो इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन कुकर में बनाने से ये इंस्टेंट बनकर तैयार हो जाते हैं, इसके लिए हमें अलग से बॉईल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें डाल लूँगी पानी। पानी फ्रेंड्स हमें इन छोले को बनाते वक्त ज़्यादा नहीं डालना। यदि आप चाहते हैं कि आपके भटूरे वाले छोले बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बने, तो आप इसके अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में पानी ना डालें। पानी सिर्फ इतना ही डालें जितना कि हमारे छोले बस ऊपर तक भीग जाए अच्छी तरह से, उससे ज़्यादा पानी ना डालें। अब इसे मिक्स करें। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने इन छोले के अंदर पानी को ज़्यादा नहीं डाला ऊपर तक। ये वो खास चीज़ है फ्रेंड्स जिससे कि हमारे छोले बिल्कुल मार्केट जैसे ही बनकर तैयार होंगे। ये एक टी बैग, यदि आपके पास टी बैग नहीं है तो आप जिस चाय पत्ते से हम चाय पीते हैं उस चाय पत्ते को उबाल कर भी डाल सकते हैं, इसके अंदर डाल दीजिए। इससे हमारे छोले का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और मैं डालूँगी एक पिंच खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा। अब इसे मिक्स कर देंगे। अब हमारे जो छोले का कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। बैग और खाने का सोडा डालने से इसमें एक रिएक्शन होता है जिससे कि हमारे छोले का कलर चेंज हो जाएगा और छोले बनेंगे बिल्कुल मार्केट स्टाइल से। हम इसकी लीड लगा देंगे और इसमें मैं लगवाऊंगी 7 सीटी। छोले हमारे बन गए हैं, सिर्फ मैं इसके अंदर ही छोड़ दूंगी, यह खुद से ही रिलीज होगी, इसी के बाद हम लीड को हटाएंगे। अब हम तैयार करेंगे छोले के लिए तड़का। केक को तैयार करने के लिए मैं लूंगी एक तड़का पैन, इसमें मैं डालूंगी ऑयल, मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। एक में डालूंगी दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 सूखी लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा। अच्छी तरह से इसे स्प्रिंकल होने दीजिए। हम इसके अंदर डालूंगी 1 इंच अदरक का टुकड़ा लंबा कटा हुआ और 1 से 2 हरी मिर्च कटी हुई, इसके अंदर डाल दीजिए। ये वो तड़का तैयार कर रहे हैं जो कि हमें छोले के ऊपर डालना है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 चम्मच भरकर कश्मीरी लाल मिर्च, गैस को बंद कर देंगे, मिक्स करें। ये हमारा तड़का तैयार हो गया, इन्हें हम छोले के ऊपर डालेंगे और इसी के अंदर लास्ट में मैं डाल दूंगी कसूरी मेथी, इससे छोले का टेस्ट बढ़ जाएगा। अब हम गैस को बंद कर चुके हैं। इस तरह से फ्रेंड्स हमारे छोले अब अच्छी तरह से उबल गए हैं। अब हम इसमें से वो टी बैग निकाल लेंगे। और इन्हें हम अच्छी तरह से अब मैश कर लेंगे। मैशर से भी करें कर सकते हैं और करछी की हेल्प से भी इसे मैश कर सकते हैं। ये मैसी मैसी से ही अच्छे लगते हैं। ऐसे हमारे छोले तैयार हो गए हैं, अब हम इन्हें सर्व करेंगे। अब मैं लूंगी एक सर्विंग बाउल, इसमें हम तैयार किए हुए छोले सर्व करेंगे। इस तरह से डाल दीजिए। छोले हमने सर्व कर लिए हैं, अब हम डालेंगे इसके ऊपर तड़का। इस
तरह से फ्रेंड्स हमारे भटूरे वाले छोले बनकर तैयार हो गए हैं। आई होप आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह की हेल्दी सी डिश मैं आप सबके लिए लेकर आती रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।